दोस्तों, गायें तो आपने बहुत देखी होंगी। कुछ बेहद खूबसूरत दिखती होंगी तो कुछ बेहद मासूम और कोमल। मगर आज के इस स्वार्थी जमाने में एक गाय की कीमत उसके द्वारा दिए जाने वाले दूध की मात्रा से ही होती है। और आज हम आपको ऐसी ही कुछ बेहद ज्यादा दूध देने वाली गायों से मिलवाने वाले हैं। आप ये बात जान हैरान रह जाएंगे कि ये गायें एक दिन में इतना दूध देती हैं कि आप इसे पिए तो पिए, साथ ही इसे नहा भी सकते हैं। इसके अलावा इसमें से कुछ गायें तो ऐसी हैं जिनके सामने अच्छे खासे बॉडी बिल्डर्स भी फेल हैं। ये भीमकाय गायें आपकी आंखों को फटा का फटा छोड़ देंगी। तो फिर आइए शुरू करते हैं आज की ये जानदार वीडियो। दोस्तों, जब हम इस बात की खोज पर निकले कि आखिर हमारे प्यारे देश भारत में गाय की वो कौन सी नस्ल है जो सबसे ज्यादा दूध देती है, तो हमें सबसे पहले गिर गाय के बारे में पता चला। और गिर गाय की यही तलाश हमें ले पहुंची गुजरात के काठियावाड़ इलाके में। ये गाय मुख्य रूप से गिर के जंगलों में पाई जाती है, यही कारण है कि इसे गिर के नाम से ही जाना जाता है। इस गाय से जुड़ी चौंकाने वाली बात ये है कि इससे दूध दूहने के लिए एक नहीं, दो भी नहीं, बल्कि कि एक साथ चार चार लोगों की जरूरत पड़ती है। ये गाय अपने एक लैक्टेशन साइकिल में 2000 लीटर से ज्यादा दूध दे सकती है। रोजाना के हिसाब से 25 से 30 लीटर तक का दूध हासिल किया जा सकता है, जो कि देश भर में मिलने वाली किसी भी गाय की नस्ल से कहीं ज्यादा है। भारत तो भारत, इस गाय की विदेशों में भी भारी डिमांड है। खासकर ब्राजील और इसराइल जैसे देश इस गाय के टॉप इम्पोर्टर्स हैं। वैसे दूध के मामले में HF यानी होल्स्टीन फ्रिस्टन कैटल्स भी खासा चर्चे में हैं। इसके ये विशाल काय थन दिन भर में 20 से 25 लीटर दूध दे सकते हैं। ये गाय दिखने में चितकबरी होती है। इसका एक लैक्टेशन पीरियड 23,000 पाउंड दूध से युक्त होता है। वास्तव में ये एक विदेशी नस्ल है जो भारत में यूरोप से मंगवाई गई थी। भारत में अधिकांश इसका हाइब्रिड अवतार ही देखने को मिलता है। हालांकि नेदरलैंड्स में अब भी इसका प्योर वर्जन देखने को मिल जाएगा। बात करें इसकी कीमत की, तो इसकी एक बछिया 2 से 2.5 लाख की मिल जाती है और ये विशेष रूप से पूर्वी भारत के मैदानों में पाई जाती है। अब यहाँ दूध की बात हो और जर्सी काऊ का जिक्र ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ब्रिटिश आइल्स के जर्सी इलाके से ताल्लुक रखने वाली ये गाय अपनी दूध देने की क्षमताओं के चलते पूरी दुनिया में मशहूर है। इस गाय का A2 वेरिएंट दिन भर में 35 से 40 लीटर तक उच्च गुणवत्ता का दूध दे सकता है। और इसमें खास बात ये है कि इस गाय से मिलने वाला दूध विशेष तौर पर रिच इन फैट होता है, यानी उसमें काफी गाढ़ी मलाई निकलती है। खैर, आज दुनिया भर में इस गाय की बहुत सी हाइब्रिड किस्में मौजूद हैं। भारत में भी इसकी कई मिक्स्ड ब्रीड पाई जाती हैं, जो दिन का आराम से 20 से 25 लीटर दूध तो बना ही देती हैं। वैसे जब गाय के थनों में दूध इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि उसकी कोई सीमा नहीं होती, तो वो कुछ यूं अपने आप ही बाहर निकलने लगता है। आई एम श्योर आपने आज से पहले कभी ये नज़ारा नहीं देखा होगा। ये वाकई हैरान करने वाली बात है। बगैर थनों पर हाथ लगाए दूध किस तेजी के साथ बाहर निकल रहा है, ये वाकई देखने लायक है। वैसे दोस्तों, आपने ये दुधारू गायें तो देख ली, क्यों ना अब आपका परिचय इन शक्तिशाली सांडो यानी बुल से कराया जाए। जरा इनसे मिलिए, इन्हें पैनमियर्स कहते हैं। इनकी फिजिक के सामने एक अच्छा खासा बॉडी बिल्डर भी किसी चूहे के समान है। इसकी मसल्स इतनी ज्यादा पम्प्ड हैं कि अगर इसने जोर लगा दिया तो एक अच्छी खासी दीवार का भी सत्यानाश हो सकता है। क्या बाइसेप्स, क्या ट्राइसेप्स और क्या बैक, इन जनाब का सब कुछ मस्कुलर है। जरा पीछे से ये नजारा तो देखिए, क्यों होश उड़ गए ना। बेल्जियम में पाए जाने वाली इस बुल को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और इसकी मसल की तारीफें करते फिरते हैं। वैसे इतना हैवी मसल मास होने के चलते इसे चलने में काफी समस्या होती है, इसलिए इसे हिलाने डुलाने में ये दो लोग काम पर लगाए जाते हैं जो नियमित रूप से इसको सैर करवाते हैं। अच्छा जी, तो इस बुल का तो किस्सा खत्म हुआ, बट क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ऐसी गाय भी मौजूद है जो बेहद मस्कुलर और पॉपुलर है। जी हाँ, ये है साहिवाल गाय, जो देखने में किसी भीमकाय जानवर से कम नहीं लगती। इस ब्रीड से आने वाले दोनों ही नर सांडो और मादा गायों में
ऐसी शानदार और जोरदार मसल्स पाई जाती हैं। भारत और पाकिस्तान में पाए जाने वाली मवेशी की ये नस्ल देखने में सुर्ख रंगत की होती है। इस नस्ल की गायें और सांड ही काफी बड़े और ताकतवर शरीर के मालिक होते हैं। आपको बता दें, ये नस्ल जेबू गायों की ही एक हाइब्रिड प्रजाति है, जिसने आजादी से पहले पंजाब में जन्म लिया था। हालांकि आज ये राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के बहुत से इलाकों में पाई जाती है। ये एक लैक्टेशन राउंड में 2500 लीटर तक दूध दे सकती है। वैसे दोस्तों, दूध ऊपर वाले की एक अनमोल नेमत है, जिसे ये मवेशी हम तक पहुंचाते हैं। इसलिए ये हम पे वाजे है कि हम इन्हें वो इज्जत और देखभाल दें जिनके ये हकदार हैं। गायों को माता यूं ही नहीं कहा जाता है, इसके पीछे एक गहरी वजह है, और वो ये कि जिस तरह एक माँ अपने बच्चे को दूध देकर उसका पोषण करती है, ठीक वैसे ही गौ माता भी हमें अपने दूध से वो तमाम पोषक तत्व देती है जो हमारी जिंदगी के लिए जरूरी हैं। और केवल गाय ही नहीं, बल्कि इस संसार में मौजूद हर वो मवेशी जो दूध देता है, वो सभी इसी प्रक्रिया का हिस्सा हैं। आप ये बात जान हैरान रह जाएंगे कि इंसान केवल गाय और भैंस ही नहीं, बल्कि बकरी, ऊंटनी, भेड़, घोड़िया, गधे, रेनडियर्स और यहाँ तक कि याक्स तक से दूध हासिल करता है, जिनके दूध का सेवन कर इंसान अपना पोषण करता है। बेशक आज दुनिया भर में मिल्किंग की हाईटेक टेक्नोलॉजी और मशीनें मौजूद हैं, जिनके इस्तेमाल से चंद मिनटों में ये सभी काम अंजाम दिए जा सकते हैं, मगर आज भी दुनिया का एक बड़ा तबका ऐसा है जो अपने मवेशियों से दूध हासिल करने के लिए अपने हाथों का ही इस्तेमाल करता है। अब अपने भारत को ही देख लीजिए, जहां आज भी अधिकतर दूध किसान अपने पशुओं का हाथों से ही दूध निकालते हैं। देखिए इन बच्चों को आखिर कैसे ये अपनी गायों का दूध निकालते हुए अपना पसीना बहा रहे हैं। या फिर इन्हें ही देख लीजिए, जो सीधा बकरी के थन पर लगाकर मुंह दूध पी रहे हैं। वैसे आपने बकरियों को दूहने का ये जोरदार तरीका देखा क्या? अच्छा, आप नीचे कमेंट्स में अपनी फरमाइश का इजहार करना मत भूलना कि भला आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के लिए केवल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक जरूर करना, और अगर आगे भी ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखते रहना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हम मिलेंगे जल्द ही आपको एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप रखें ख्याल अपना और अपने परिवार का। बाय बाय।